तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके लड़के बाले विश्वासी हों और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मार पीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर अहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो और विश्वास योग्य वचन पर, जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं।